हाय दिस इज शमा आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है जब भी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में पैसों का लेन देन होता है तो उसमें हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस इज़ द स्टडी ऑफ मॉनेटरी इंट्रैक्शन दैट हैपन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में लेन देन करती हैं पैसों का चाहे वो लोन पर ले रहे हैं या फिर वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंपनीज किसी और कंट्री के अंदर जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं वहाँ पर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही हैं और प्रॉफिट ऑन कर रही हैं उनकी करेंसीज के अंदर और फिर जब वो उस प्रॉफिट को अपनी कंट्रीज के अंदर लेके आती हैं तो उनको उस करेंसी को अपनी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ता है इन सब चीजों में पैसों का जो भी लेन होता है बिटवीन द कंट्रीज वो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आता है

जिस भी कंट्री से गवर्नमेंट या कंपनी लोन लेना चाहती है या फ़ंड रेज़ करना चाहती है तो उनको उस कंट्री के इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल कंपनी को ये लगता है कि मुझे डोमेस्टिक अपने नेशन से सस्ता जो लोन है वो फॉरेन कंट्री से मिल जाएगा तो वो फॉरेन कंट्री से फ़ंड रेज कर सकते हैं बट इसके लिए उनको इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए एक्सचेंज रेट हम इसलिए स्टडी करते हैं जब हम किसी कंट्री के साथ डील करते हैं तो वहाँ की करेंसीज़ में हमें डील करना होता है तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी करेंसीज के बदले में हमें कितने करेंसीज़ का जो प्रोडक्ट है या गुड्स है वो मिल सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यू एस डॉलर की बात करते हो तो इंडिया के सेवेंटी रुपीज़ के बदले में हमें एक यू एस डॉलर का प्रोडक्ट मिल सकता है तो इसलिए हम एक्सचेंज रेट को स्टडी करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये आता है जब भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाकर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंपनी को सेटअप करते हैं या फिर किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं कि किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें वहाँ की जो कंट्री है उसके मार्केट कंडीशंस को स्टडी करना पड़ता है पॉलिटिकल इन्वायमेंट को स्टडी करना पड़ता है वहाँ पे किस तरीके का कल्चर फॉलो किया जाता है और जो भी हम बिजनेस सेटअप करने वाले हैं वो वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आती है दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस की किसी जाती है, जब आप दूसरी countries की जो companies हैं, उनकी securities के अंदर डील करते हो, उनको purchase और सेल करते हो तो आप मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अब अगर आप किसी फॉरेन कंट्री कंपनी के सिक्योरिटीज को परचेज करना चाहते हो तो मतलब आपको उस कंट्रीज की जो करेंसी है वो चाहिए होगी क्योंकि तभी आप आगे सिक्योरिटीज को परचेज कर पाओगे तो अपनी करंसीज़ को उस कंट्री के करेंसीज के अंदर एक्सचेंज करने के प्रोसेस को ही हम इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर स्टडी करते हैं प्रिक्योरमेंट और एलोकेशन ऑफ फंड साथ में ये भी देखते हैं कि कहाँ से हम फंड रेज कर रहे हैं और कौन से एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मोनेट्री सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का वर्ल्ड के अंदर कौन सा मोनेट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा है किस टाइप का मोनिट्री सिस्टम फॉलो किया जा रहा है ये हम स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है जब से इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हो चुका है जो कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं और वहाँ से इम्पोर्ट भी करती हैं गुड्स का लेन देन होता है तो इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बड़ी है क्योंकि वहाँ की कंट्रीज पर अगर तो आप डील करना चाहते हो तो आपके वहाँ की करेंसीज की रिक्वायरमेंट है तो उन करेंसीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आप आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक हेल्प लेते हो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हम इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर ही स्टडी करते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हैचर और फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कौन कौन से फीचर्स है जो कि डोमेस्टिक फाइनेंस को अलग करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस से पहला फीचर है फॉरेन एक्सचेंज फॉरचेंज इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज मतलब मतलब तो वो डे टू डे चेंज होता रहता है वेरी होता रहता है अगर आज आपने सेवेंटी रुपीज पे करे हैं एक डॉलर के बदले में तो मे बी कल आपको सेवेंटी टू रुपीज पे करने पड़े एक डॉलर के बदले में तो जो ये होता है वो फॉरन एक्सचेंज रिक्स होता है जो एक्सचेंज रेट है वो कभी भी वेरी हो सकता है तो इसके लिए जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है उनको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज असेंशियल फॉर द मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स इन द मॉडर्न डे इनवाइट ऑफ अनफोर्सियन द फॉरन एक्सचेंज रिस्क दूसरा फीचर आता है पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल रिस्क चेंजेस फ्रॉम द रिक्स ऑफ लॉस फ्रॉम द अनफॉर्चुन गवर्नमेंट एक्शन और अदर इवेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल कैरेक्टर सच एज एक्ट ऑफ टाइज मस्ट द पॉलिटिकल रिस्क नॉट ओनली इन द कंट्रीज वेयर इट इज डूइंग बिजनेस बट आल् वेयर इट एक्सपेक्ट टू डू जब भी कोई कंपनी या इन्वेस्टर किसी भी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है ये वहाँ पर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे पहले उनको वहां के पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं होते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस हो सकता है थर्ड फीचर है एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी सेट जब जो फर्म्स हैं वो ग्लोबली लेवल पे जाकर जब अपना काम करती हैं तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाती हैं उन को एक्सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है और साथ में वो कम कोस्ट पर भी कैपिटल रेस कर सकती हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करती हैं ऐसे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नेक्स्ट फीचर है मार्केट इम्परफेक्शन दिस इज अ अंपोर्टेंट फीचर दैट डिफ्रेंशिएट इंटरनेशनल फाइनेंस फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंस इज दैट वर्ल्ड मार्केट टूडे आर आईली इम परफेक्ट ये इंटरनेशनल फाइनेंस का इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए है क्योंकि ये डोमेस्टिक फाइनेंस से इंटरनेशनल फाइनेंस को डिफ्रेंशिएट करता है डोमेस्टिक फाइनेंस में क्या होता है कि एक ही नेशन की हम बात करते हैं एक नेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सेम रूल्स होते हैं सेम कल्चर्स होते हैं सेम टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं। वहां का बिजनेस सिस्टम सेम होता है लेकिन जब हम इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो मतलब हम दो या ज़्यादा कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब हम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं मतलब हम सारी कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारी कंट्रीज जो हैं वो सेम ने लॉ फॉलो करें सारी बिजनेस प्रैक्टिस भी सेम फॉलो करें सब कंट्रीज के अंदर टैक्सेशन रूल्स भी सेम हो तो इसलिए ये बोला गया है कि मार्केट आर इम यहाँ पर क्या होता है हर कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट टैक्स सिस्टम होता है डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं और डिफरेंट कल्चर एनवायरनमेंट होता है इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड दे आल्सो ऑफर इंटरनेशनल फॉर्म plenty of opportunities अब डिफ्रेशिएशन होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल लगता है वो उन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो के जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं साथ में जो इंटरनेशनल फार्म हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट हैं वो स्पेशल बेनिफिट्स देती हैं फ़ॉन डेइट इन्वेस्टमेंट्स को या फिर जो कोई भी कंपनी है वो किसी और दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अगर बिजनेस सेटअप करती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है टैक्सीशन एक्जम्शन प्रोवाइड कराती है और डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स भी देती है जिसकी वजह से फार्मस को उनके प्रॉफिट से तो बेनिफिट होता है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उन कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करना पसंद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं और क्या क्या चीजें कवर होती हैं इंटरनेशनल फाइनेंस इज सब्जेक्ट ऑफ सर्वरल एक्सटर्नल फोर्स दैट मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ दैम फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्टडी करते हैं इट इज अ मार्केट इन विच अगेंस्ट ईच अदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर करेंसीज का लेन देन होता है जिस कंट्री को जिस भी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाकर परचेज कर लेती है और जिस करेंसी की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको वो सेल भी कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं या फिर करेंसी मार्केट भी बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट इज अ प्लेस वेयर डिटरमाइंस द एक्सचेंज रेट फॉर द ग्लोबल करेंसीज एंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड है और फॉर एक्सचेंज मार्केट के अंदर ही हम करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइज करते हैं इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंपनीज एंड नेशनल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट फॉर देयर ऑपरेशन इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स एंड हैंडलिंग देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब भी कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट्स को अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रेड्स की पेमेंट करनी होती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता है तो वो फॉरन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाकर डील करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट दिए गए हैं पहला है फ्यूचर मार्केट ऑप्शन मार्केट स्वैप मार्केट स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट इन सारे टाइप के मार्केट के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट बी ओपी इज अस्टेटिकल स्टेटमेंट दैट सिस्टमेटिकली समराइज फॉर अ स्पेसिफाइक पीरियड ऑफ अ टाइम मोनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनकम फ्लोज कैपिटल फ्लोज और गिफ्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है हर कंट्रीज का अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी ट्रांजेक्शन इंक्लूड होती हैं कि कितने गुड्स जो कंट्री है एक्सपोर्ट करती है और कितने गुड्स इंपोर्ट करती है सेम सर्विस के साथ भी होता है और ये भी बताया जाता है कि कितनी इनकम उन्होंने इनफ्लो करी है और कितनी कैपिटल उन्होंने आउटफ्लो करी है बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हर कंट्री का एक स्ट्रेटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है जो कि ये शो करता है कि उनका बीओपी जो है वो सरप्लस में है या फिर डेफिसिट में है अगर डेफिसिट में होता है तो वो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेकर लोन लेकर अपने बीओपी को करेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनिट्री सिस्टम हर एक कंट्री का अपना मॉनिटरी सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है वो अथॉरिटीज और रूल्स रेगुलेशन को मैंशन करते हैं अगर किसी भी कंट्रीज़ को उनके साथ ट्रेडिंग करनी है या फिर उनके कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं मतलब उनको रूल और रेगुलेशन फ़ॉलो करने होंगे India has its own monetary policy that is administered by the RBI. India इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कौन गवर्न करता है RBI बी आई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेनली क्या करता है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को मनी सप्लाई को अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है तो उस चीज को कंट्रोल करता है RBI फॉलो करता है जो कि हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में नेक्स्ट आता है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी मीन्स द करेंसी ऑफ अ वेरियस कंट्रीज आर फ्रीली कन्वर्टेबल इन टू अदर अ फॉरन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट वैलिड ये हमने पढ़ा है कि इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर हम करेंसीज को किसी और दूसरी कंट्री के करेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जिस भी कंट्रीज के साथ हम डील करना चाहते हैं बट जो फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जो एजम्पन है वो वैलिड नहीं है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि उनके रेजिडेंट या फिर कोई नॉन रेजिडेंट उस कंट्री की करेंसीज को किसी भी दूसरी कंट्रीज की करेंसीज के अंदर कन्वर्टेबल नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है करने के लिए और उन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है मैनी कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट टू कन्वर्ट द लोकल करेंसीज इंटू फॉरन करेंसीज इट मेक्स इंटरनेशनल बिजनेस मोर डिफिकल्ट तो इसका मतलब यह है कि हम सारी करेंसीज को ये नहीं बोल सकते कि जो करेंसीज हैं वो इजीली कन्वर्टेबल है बट क्या होता है कि कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी करेंसीज को फ्रीली कन्वर्टेबल रखा हुआ है जो भी पर्सन चाहे उनकी करेंसीज को फॉरेन करेंसीज के अंदर कन्वर्टेबल कर सकता है अ करेंसी इज सेट टू बी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज इफ बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट अलाउज टू परचेज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसीज विद द लोकल करेंसीज कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपनी कंट, अपनी कंट्री के रेजिडेंट या फिर जो दूसरी कंट्री के पर्सन है मतलब नॉन रेजिडेंट दोनों को अलाउ करती है कि आप हमारी करेंसीज के बदले में कितनी भी दूसरी करंसीज को परचेज कर सकते हो अ करेंसी इज नॉन कन्वर्टेबल वेन नाइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अलाउज टू कन्वर्ट और एक करेंसी को हम नॉन कन्वर्टेबल कब बोलते हैं जब रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट दोनों को ही कोई राइट right नहीं होता है कि वो लोकल करेंसीज को फॉरेन करेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को भी हम इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर स्टडी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस रूल्स कस्टम्स इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट एनेबल्स इंटरनेशनल पेमेंट टू बी मेड एंड फंड टू फ्लो अक्रॉस बॉर्डर्स इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम का मतलब है कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा फाइनेंस सिस्टम फॉलो किया जा रहा है डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं कस्टम्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्होंने फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई होती हैं डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ डील करने के लिए परमिशन देती हैं उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं कि वो इंटरनेशनल पेमेंट कर सके, ट्रांजेक्शन्स कर सके और जो फंड का फ्लो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर हो सके तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है वो सारे कंट्रीज के हिसाब से ही बनाया जाता है ताकि कंट्रीज जो हैं आपस में डील कर सके इन एक्सप्लोडेड रिसेंटली देखा गया है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे वर्ल्ड का वो इतना इम्प्रूव हो गया है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी हैं हर कंट्री ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहती है दूसरी कंट्रीज के अंदर और न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए गए हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं फर्स्ट है आई एम एफ इंटरनेशनल मोनिट्री फंड दूसरा है वर्ल्ड बैंक तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन फोर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा सिर्फ हम इन चार इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को स्टडी नहीं करते हैं बहुत सारी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो कि दिफरें डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर अपना फाइनेंसूशन देती है, ये जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को हेल्प करती हैं उनके बीओपी को करेक्ट करने में उनके इकोनॉमिक ग्रोथ होने में साथ में वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सके नेक्स्ट स्कोप के बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस इंटरनेशनल फाइनेंस को स्टडी करने की क्या इंपॉर्टेंस है हमें इंटरनेशनल फाइनेंस को क्यों स्टडी करना चाहिए बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस आर एस फॉलोज फर्स्ट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एक्रॉस द वर्ल्ड एनेबल अ कंट्री टू बोरो ड्यूरिंग टफ टाइम एंड लैंड ड्यूरिंग द गुड टाइम इंटरनेशनल फाइनेंस की वजह से क्या हुआ है जो कंट्रीज हैं उनको कैपिटल मार्केट का एक्सेस मिल गया है वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर पैसे को बोरो भी कर सकती हैं जब उनको जरूरत है और पैसे को उधार पर भी दे सकती हैं जब उनके पास ज्यादा फंड्स होते हैं दूसरा है इट प्रोमोट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ थ्रू कैपिटल इम्पोर्ट इंटरनेशनल फाइनेंस की वजह से

प्रिवेंट एक्सेसिव डोमेस्टिक रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो कोई भी कंट्री है वो अपनी करंसीज का एक्सचेंज रेट अपने आप से फिक्स नहीं कर सकती है उसको एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा फ़िक्स किया जाता है कुछ एक फिक्स परसेंटेज होती है जिसके बीच में ही आप अपनी करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है ना तो बहुत ज्यादा कर सकते हो और ना ही वो बहुत ज्यादा कम कर सकते हो हर करेंसीज का जो भी एक्सचेंज रेट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में आईएमएफ के थ्रू फिक्स किया जाता है प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन एंड इफेक्टिव बैंकिंग फैसिलिटीज इंटरनेशनल फाइनेंस की वजह से क्या हुआ है कि जो कंट्रीज हैं वो लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को जिसकी वजह से मार्केट में हेल्दी कंपटीशन आया है हर कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रांजेक्शन कर सकती हैं और अगर जिन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए तो फिर वो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन भी ले सकती हैं इफेक्टिव बैंकिंग फैसिलिटीज का मतलब ये है कभी कभी क्या होता है किसी कंट्रीज में किसी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो दूसरी कंट्रीज के जो बैंक है वो उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द वाइटल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लीड्स टू इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन जो आई है और वर्ल्ड बैंक है वो अपने एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड कराती है कंट्रीज को और उनको हेल्प करती है गाइड करती है कि उनको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कहाँ पर अपने कैपिटल को एलोकेट करना चाहिए और किस तरीके से वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो ट्रेनिंग और अपने एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोमोट द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इजी फ्लो ऑफ कैपिटल फ्री ट्रांसफर ऑफ फंड्स फंडली रिजल्ट इन अ मोर इक्वालिटी अमंग कंट्रीज इंटरनेशनल फाइनेंस जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग को प्रमोट करता है जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने ट्रेड बेरियर्स को रिमूव करा है और इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आया है कैपिटल का इजीली फ्लो हो सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है जिसकी वजह से वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इक्वेलिटी आई है इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स अ अ मेडिएटर रोल इन मैनेजिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्प्यूट अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होता है चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या फिर वो लोन को लेकर हो तो उसके लिए आई एम एफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो एज ए मेडिएटर काम करते हैं उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए तो ये सारी इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल फाइनेंस की कि इंटरनेशनल फाइनेंस को स्टडी करना क्यों जरूरी है आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टिल कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू फॉर वॉचिंग अस